हुआ करते थे, लेकिन देखा कि पिताजी आर्मी में हैं, तो पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए वो सेना में सिपाही बन गए। सेना में भर्ती होने के बाद भारत और चीन से युद्ध लड़े। वो राजपूताना राइफल में थे। भारतीय सेना के सीनियर अधिकारी उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहते थे, और उनके साथी जो सैनिक थे उन्हें इंडियन रेम्बो के नाम से पुकारते थे। वो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से लड़े और पाकिस्तान के युद्धबंदी भी रहे। अपनी बहादुरी, शक्ति और मेहनत से वो तरक्की पाते रहे और एक दिन लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर पहुंच गए। इस शख्सियत का नाम है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला। वो बैंसला है यानी कि गुजर, और बहादुरी इनके खून में है। कतई पस्त नहीं हूं, भ्रांति मत पालिए, साइलेंस का मतलब परस्त नहीं है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि यदि मुझे मेरा हक नहीं मिला तो ये समाज चुप नहीं बैठेगा। 1962 में चीन से युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ने के बाद वो कर्नल बने थे। लेकिन रिटायर होने के बाद देश के लिए लड़ने वाला फौजी अपनी जाति के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनों का नेतृत्व करने लगा। वह गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता बनकर रेल और सड़क मार्ग को जाम करने लगे। आरक्षण के पक्ष में उनका आंदोलन इतना तेज और लंबा चला कि न्यायालय का हस्तक्षेप करना पड़ा। यह भी माना जाता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार का पतन भी इसी आंदोलन की देन था। माना जाता है कि गुजर सूर्यवंशी क्षेत्रीय कुल के हैं, जिस कुल से श्री राम भगवान आते हैं। कुछ राज्यों में गुजर समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति का हिस्सा माना जाता है, पर राजस्थान में नहीं माना जाता। यही बातें कर्नल किरोड़ी सिंह को खटक रही थी और उन्होंने गुजरों के लिए 5% आरक्षण की मांग कर डाली। शुरू में तो उनकी ही जाति के लोगों ने उन्हें सिरपरा तक कह डाला था, लेकिन जब उन्होंने आरक्षण के आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक लाभ गिनाए तो उनके समुदाय का एक बड़ा वर्ग उनके साथ आ गया। किरोड़ी सिंह ने गैर राजनीतिक आंदोलन की रूपरेखा बनाकर राजस्थान के रेल और सड़क मार्गों पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने बल प्रयोग किया, सेना भी बुला ली गई। 2007 में उनके आरक्षण समर्थक आंदोलन के कारण 27 और 2008 में 43 लोगों की मौत हुई। किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना था कि राजस्थान में मीणा समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति माना जाता है, जिसके राजस्थान में 225 आईएएस और आईपीएस है, जबकि लगभग उतने ही बड़े गुजर समुदाय का केवल एक ही अधिकारी आईएएस है। यदि आरक्षण का लाभ मिले तो गुजर समुदाय भी तरक्की कर सकता है। किरोड़ी सिंह बैंसला खुद को नेता की जगह सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। उनकी राजनीति मुख्य रूप से 2003 से शुरुआत हुई थी, जब विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी भेंट वसुंधरा राजे सिंधिया से हुई थी। कहते हैं कि वसुंधरा राजे ने चुनाव जीत के बाद गुजर आरक्षण का वादा किया था, जिसके पूरा न होने पर 4 साल बाद बैंसला ने आंदोलन की राह पकड़ी। 2007 में आंदोलन हिंसक हो उठा, लेकिन बैंसला ने कहा कि उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। बैंसला पर हिंसा के अनेक मामले दर्ज हो चुके हैं। बैंसला सिरे से सभी आरोपों को नकारते रहे हैं। वे राजस्थानी पगड़ी सिर पर बांधते हैं, जयपुर आगरा रेल ट्रैक के निकट खटिया पर बैठकर कहते हैं कि मुझे यहां से केवल दो ही चीजें हटा सकती है, या तो बंदूक की गोली या गुजरों को आरक्षण देने वाला फैसले का पत्र। पहले के आंदोलनों को कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के समझौते के साथ खत्म हुए थे। लगभग 63 साल के बैंसला की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो गई थी। उनकी एक बेटी सुनीता इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है और गोवा में आयकर विभाग में है। दो बेटे जय और दौलत सेना में अफसर हैं। उनका एक बेटा निजी टेलीकॉम कंपनी में है। उनकी पत्नी का निधन सन 1996 में हो चुका है, लेकिन वो बेटों के बजाय छोटे से कस्बे हिंडोन में रहते हैं। 11 अप्रैल 2009 को वो जयपुर में बीजेपी की सदस्यता भी ले चुके थे। गुजरों के नेता करोड़ी सिंह बैंसला जब अपने स्वजातीय गुजरों के साथ विरोध के लिए निकलते हैं तो रेल पटरियां गाड़ियों से महरूम हो जाती है, राजमार्गों पर जीवन ठहर सा जाता है। बैंसला आती जाती सरकारों के लिए एक ऐसा मुहावरा बन गए हैं जिसे न तो कोई सरकार टाल सकती है और न ही कोई सरकार पाल सकती है। इन सब के बावजूद खुद बैंसला ये कहते हैं कि वो मुगल शासक बाबर से भी प्रभावित हैं और अब्राहम लिंकन के भी मुरीद हैं। बैंसला एक बार फिर अपने लोगों के साथ राजस्थान के भरतपुर जिले में दिल्ली मुंबई हाईवे रेलमार्ग पर बैठे हैं। वे अपनी बिरादरी और 4 अन्य छोटी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सिर पर चटक रंग की पगड़ी और ठेठ गवाई धोती बांधे बैंसला अंग्रेजी पत्रकारों से अंग्रेजी में बात करते हैं और हिंदी पत्रकारों से विशुद्ध हिंदी में बात करते हैं। जब वो अपने समर्थकों के बीच होते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज में वो बात करते हैं। पूछने या टोकने पर मसीहाई अंदाज में बैंसला कहते हैं, मैं सदियों से वंचित इन गरीब लोगों की जिंदगी में तरक्की का उजाला भरना चाहता हूँ। पूर्वी राजस्थान के करौली जिले में एक गाँव में पैदा हुए बैंसला धरने प्रदर्शन के बीच अपने पढ़ने का वक्त भी निकाल लेते हैं।
ऐसा बताया जाता है कि बैसला आंदोलन के समय भी लगभग 4 घंटे की पुस्तकें पढ़ते हैं। बैसला राजनीति के पक्के खिलाड़ी भले ही लगते हों, लेकिन सार्वजनिक मंच पर वो पहली बार तब प्रकट हुए जब उन्होंने बीहड़ कंदराओं में सहेज कर रखे गए गुजरों के युद्धक नृत्य की प्रस्तुति के लिए अपने समाज को जमा किया था। इसके बाद फिर 3 सितंबर 2006 को बैसला तब चर्चा में आए जब उनके समर्थकों ने करौली और हिंडौन के कस्बे में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पहली बार जाम किया था। बार बार रेल और सड़कें रोके जाने के कारण बैसला की खूब आलोचना भी होती है। हाल ही में राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली जाट महासभा ने कहा है कि वह अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान आम नागरिकों को प्रभावित होने के मामले में अदालत ने भी बैसला से सफाई मांगी है, पर बैसला और उनके समर्थक गुर्जर आरक्षण के मामले को लेकर हर समय उनके साथ सड़कों पर पटरियों पर डटे रहते हैं। कर्नल बैसला को पुस्तकें पढ़ना बहुत ही पसंद है। अपनी नेतृत्व क्षमता से सियासत और सत्ता के गलियारों में हलचल मचा चुके बैसला ने पिछले ही दिनों कुछ पुस्तकें खरीदी है, जिनमें पीसी अलेक्जेंडर कॉरिडोर ऑफ द पावर भी शामिल है। बैसला कहते हैं, मुझे अच्छी पुस्तकें हमेशा आकर्षित करती है। मेरी किताबें जिंदगी का अभिन्न अंग है और मैं रोजाना 4 घंटे किताबों के साथ गुजारता हूँ। आंदोलन की अगुवाई और सैन्य पृष्ठभूमि, पुस्तकों के प्रति अनुराग और फौज से सेवानिवृत्ति के साथ शस्त्र में भी बैसला पीछे नहीं है। अब इस पूर्व सैन्य अधिकारी के पास साहित्य और शास्त्र दोनों ही रह गए हैं। जब आंदोलन की वापसी होती है तो वापसी के ऐलान के साथ ही बैसला करौली जिले के हिंडौन सिटी गाँव में स्थित अपने घर पर लौट जाते हैं और वहाँ पुस्तकें ही उनका साथ देती है। बैसला कहते हैं, मुझे साहित्य, आत्मकथा, जीवन गाथा, इतिहास की पुस्तकें पसंद है, लेकिन शेक्सपियर का जवाब नहीं है। मैं उनके साहित्य का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बैसला बताते हैं कि उनके पूरे परिवार में पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति है। उनके दोनों बेटे सेना में ऊंचे पदों पर हैं, एक बेटा निजी कंपनी में उच्चाधिकारी है। अभी तक गुर्जर आरक्षण के मामले में किसी भी सरकार ने स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए बैसला का आंदोलन जारी है और शायद ये तब तक जारी रहेगा जब तक गुजरों को पूर्णतः आरक्षण नहीं मिल जाता। लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब वो जवानी में थे तो उन्होंने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बहादुरी से युद्ध लड़ा था, और जब वो रिटायर हुए तो अपने बेटों के साथ न रह करके वहाँ रहने गए जहाँ पर उनका समाज बसता था, उनके लोग बसते थे, उनका गाँव बसता था। हम ऐसी शख्सियत से बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं और अपने